मेरे बाप दादा बेरूपिया काम करते थे सर, पुराने अमीनाबाद के जिला सरसे के। हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ टाउन में फ्लेक्स का काम करवाने के लिए जय श्री श्याम फ्लेक्स से संपर्क करें। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, यहाँ पर फ्लेक्स पंपलेट जितने भी पोस्टर के कार्य है यहाँ पर किए जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, राम राम। मैं लक्ष्मण यादव और थे देखने लाग रहे हो लक्ष्मण के वीडियो। आज को जी को वीडियो है वो हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर है, एक अनोखो वीडियो मान लियो के एक स्टैचू को जी को किरदार है सलमान भाट है जी का, एक स्टैचू को किरदार है जी को निभावा है। और अठे जीता भी आपने राजस्थान के अंदर शहर पड़े बंग अंदर स्टैचू के एक किरदार इन तरीके हुआ कि यहाँ लगे जाना पुतलो है पर वो इंसान ही हुआ है, बे इंसान है जी का मेरे कन्ने ही खड़ा है। तो सलमान जी थारो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, मैं सलमान भाट संगरिया से सनो ब्रह्मश्रीराम जाति भाट। तो मैं स्टैचू को प्रोग्राम करता हूँ सर, तो पब्लिक वाले को ऐसे लगते हैं भाई भूति खड़ी है, तो पब्लिक बहुत सपोर्ट करती है सर मेरे बारे में। तो पुलिस प्रशासन भी मेरे को बच्चा वर्ग प्यार देती है, क्यों कोई भी भाई बंधु ऐसे नहीं कहता भाई तू ऐसे क्यों खड़ता है क्यों नहीं, क्यों मेरे को अच्छा प्यार करती है, बॉलीवुड में नाम जिताने चाहती है, मेरे को फुल सपोर्ट करती है सर। मेरे कने जिया खड़े है स्टैचू के अंदर था नहीं लागे भी एक पुतलो है, पुतलो को नहीं एक इंसान है जिसके सामने देखने लाग रहे हो। ये अलग अलग आपका किरदार निभावा है और भी के अंदर अलग अलग कलर करके भी ये खड़ा है। पहली ये चीज़ें जी की ज़्यादा विदेशा में होया करती, आजकल इंडिया के अंदर भी ये चीज़ें जी की होने लग गई। तो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में भी एक स्टैचू का कलाकार है, अभी थाने दिखा है जाना है एक स्टैचू है पर एक इंसान है दोस्तों। थे स्टैचू के अंदर ही कलाकार ने देखे हुए भी एक पुतलो है पर इंसान के रूप में वो सामने भी खड़े है, वो इंसान ही है जी को एक स्टैचू को किरदार निभावा है। तो थारो जी को वो पैसो है जदू कदू स्टार्ट करियो कोई इंग ट्रेनिंग वगैरह हुआ के हुआ? पहले मेरे बाप दादा बेरूपिया काम करते थे सर, पुराने अमीनाबाद के जिला सरसे के। तो मेरे दादा परदादा इस लेन में है बेरूपिया में। तो पहले रोल करते थे लोहारी का, शिव जी का, पार्वती का। तो वो रोल उसकी डिमांड ख़त्म हो गई। मैंने ये मान लो किस बुत को देखा था मैंने, चल मेरा पुत फिल्म है ना, उसको देखा था। उसके बाद मैंने एक काम टोरा था, मेरे को 5 साल हो गए। किससे किसे शहरों के अंदर ज़्यादातर थे जी को करो? डब्बाली, स्टार्टिंग में डब्बाली से हुई थी, फिर उसके बाद बठिंडा, बठिंडा से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से सूरतगढ़। और जी को थे कलर करो तो इनका कोई साइड इफेक्ट शरीर में कोई नहीं होएगी? हाँ जी होती है, वैसे आंखों में जलन तो होती है सर। हाँ अभी मेरे पास कलर पड़ा है, दिखाऊँ सर आपको? जी को स्टैचू को थे किरदार निभाओ, 2 घंटा 2.5 घंटा खड़े रहना हो तो शरीर में कोई दिक्कत को नहीं हो? दर्द तो होता ही हो सी या एकदम खड़े रहो आदमी? वैसे तो सर मेरे दिक्कत होती है, क्यों एक लात पे 25 रुपये खरना, इस पे बैलेंस बनता है, इस लात की जो नाड़ियाँ हैं वो अखी होती है। दर्शकों थे देखन लाग रहे हो जी का स्टैचू का किरदार में जी का खड़िया रहा है शहरा गंदरिया लागे भी एक पुतला है, असली के रूप में था ना इंसान है भी दिखा। और कठूँ थे सीखा कला? ये सर जी मैंने तो वैसे तो दिमाग से सीखे थे, क्यों कमाई का कोई मसला नहीं था, क्यों गरीब गुजारे में तो पेट भराई तो करनी पड़ती है, क्या नहीं सर? तो भाई बंधु मेरे छोटे छोटे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उसको भी संभालना पड़ता है। तो मेरे को एक काम करते को 5 सालों की पहले मैं डब्बाली बठिंडा सरसा जाता था, अब मैं 3 महीने यहाँ पर ही था, क्यों अब तो मेरे को 1.5 महीना हो चुका है। पहले 3 महीने काट के गया था हनुमानगढ़ जिलों में, तो मेरी अच्छी बढ़ोतरी करी है, फुल सपोर्ट भी करते हैं लोग। सलमान जी जी को कलर दे करो हो तो इनकी धारे शरीर पर कोई दिक्कत को नहीं आओ के रात में नींद आ जाए के सावड़े? नींद तो नहीं आती सर, जो जैसे मच्छर काटते हैं वैसे तो जलन तो होती है सर। एक कलर है जी का अलग अलग है तो आन किया उतारो, एक पेंट है एक तरह को तो एक साइड इफेक्ट भी हुआ है, आँखें भी खराब हो सके, स्वास्थ्य भी खराब हो सके, तो रोज करना पड़े क्यों? हाँ जी रोज करता हूँ, रोज तार पिनर से उतारता हूँ सर, तार पिनर लगा के सूती कपड़े से पूछना पड़ता है, फिर ताता पानी से धोना पड़ता है, फिर साबुन से धोना पड़ता है। तो रात में नींद सावड़ आ जाएगी? वैसे तो कौन है साहब, तो कह लेना पड़े आज की ये तो कठिन परिश्रम कर गए, अगर देखो 2 रुपया कमाने को प्रयास करो तो ओ जी को एक किरदार है बड़ो जबरदस्त है और इनके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े, तो बहुत अच्छी बात है कि आज एक इंसान है जी को एक पुतले को रूप कर गए और जनता को जी को मनोरंजन करे है, वे लोग देखे है माने, तो एक बहुत ही कठिन कार्य है दर्शकों जी का ए सलमान जी है जी का करने लाग रहे हैं। तो थे इन कला ने और खड़े खड़े धारे किसक से शहर के अंदर ये कला दिखाओ?
बीकानेर जिला बीकानेर में, और नोखा मंडी सूरतगढ़ और गंगानगर श्री हनुमानगढ़। और धारे परिवार में भी कोई इंद्रियों काम करेगा? अब तो कोनी करा साहब, क्यों पहले खानदानी बेरूपी हम ही थे। मेरा दादा दादाजी के नाम है छेलू राम भाट, एलनाबाद के निवासी थे। वो तो एक्सपायर हो गया, उनकी रिस्क कौन कर सकता है सर। तो दिन के अंदर कलर एक ही रखोगे? मैं वैसे तो दो तीन कलर है मेरे, गुड कलर यही है सर, सिल्वर बॉय। तो अलग अलग स्टेचू को जी को रूप धारण करो, कितनी देर तक रख सको यहाँ एक ही जगह शरीर ने? मान लो जैसे पब्लिक जुड़ती है तो 5 घंटे की कह जाता हूँ सर मैं, ठीक है। जब पब्लिक ने तो 2-3 घंटे तो आराम से सर। नहीं, एक दिन अभी कोई पोज बना रखे है, वो कितनी देर तक होगा, कितना टाइम होगा? ए सर जी घंटे का, एक घंटा रह जाओ। एक घंटा तो किने खड़े रहने के देवो, खड़े को रेस के भी देर थे, एक स्टेचू के रूप में रेस को किया करो इन मेंटेन। सर जी करने तो पड़ता है, एक पर बैलेंस बनाने पड़ता है, जो एडी का बैलेंस है ना, सजे पर की नाड़ियाँ ना इसमें रखनी पड़ती है सर। पब्लिक को कैसे योग रहा थे मार्केट के अंदर शहर में, जटे भी खड़ो तो पब्लिक धन कैसे योग करे और के बात करे? मेरे को यही बात अच्छी लगी है पब्लिक की, के बेटे हम तुम्हारे साथ हैं। सभी पब्लिक वाले, मार्केट वाले, पुलिस प्रशासन, जो गोयल सर जी है सेंट्रल जेल वाले, वो मेरे को 200 रुपये का छत्ता भी दिलवा के गए थे, वो मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं। और जी को स्टेचू को थारो मतलब जी को सिस्टम थे चला रखे है, जी की कला लोगों ने दिखाओ, तो धारा परिवार का, समाज का, रिश्तेदार धने कोई कवा को निके की भी होते के करो के काम पकड़ियो इसो? वो भी मेरे को बोलते हैं कि बाकी में तू तरक्की पाई है बाढ़ समाज में, कि कोई बाढ़ समाज में बच्चा ना तरक्की नहीं पाई, क्यों मैं अब जयपुर जा रहा हूँ सरकारी कर्मचारियों के साथ। थारे घर के अंदर जी हैं, थारी वाइफ है, बच्चा है, थारी माँ है, बे थाने कोई कवा को नहीं कहेंगे बारे में भी, वो कलर करके शरीर को नाश हो, काल ने कोई बीमारी हो जाए तो इतने रोक टोक को नहीं कोई? नहीं सर, वैसे माँ बाप को अपील तो होती है मन में, रोग तो आता ही है, भाई मेरा बच्चा केमिकल का रंग लगाता है। तो पहले माँ बाप बहुत लड़ते थे, अब मेरे सेहन पड़ गई, क्यों 5 साल होगी, अब मैं हर हफ्ते जाँच करवा, आँख भी जाँच करवा के आता हूँ, तो डॉक्टर बोलते तेरी आँख भी सही है, सारी चमड़ी भी सही है। पूरा दिन स्टेचू को जी को कार्यक्रम करो थे, लोगों ने दिखाओ, इन अंदर थारी कितनी इनकम हो जाए? इनकम मान लो 500 भी बन जाते सर, 1000 भी बन जाते, पब्लिक जुड़ जाती तो 1500 ही बन जाते। मतलब मजदूरी पल्ले पड़ जाओ है? हाँ जी हाँ जी। और पब्लिक ने क्या करना चाहोगा जी को थे स्टेचू को जी को करने लाग रहे हो, इन तरह होंगे थाने कोई प्रॉब्लम आई है तो भाभी दर्शकान बताओ? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है सर, पहले मेरे पिताजी को लकवा हो गया था, तो फुल सपोर्ट करी है पब्लिक वालों ने, और बाकी मेरा काम गाड़ियों वाले चलाते हैं, क्यों डिवाइडर पे मैं खड़ता हूँ तो गाड़ियों वाले दे के जाते हैं, मैं किसी गवैये के जाके दुकान पे भीख नहीं मांगता हूँ सर। दोस्तों ए सलमान भाटा जी का संगरिया का रहने वाला, जी का स्टेचू को कार्यक्रम है, जी की कला है आपकी, वे दर्शकों ने थारे अपने लोगों ने दिखावा है, तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। जय हिंद जय भारत सर, थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत जय राजस्थान।